अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो सबसे पहला टूल है जो मेरे किचन में बहुत कंफर्ट है, वो ये एप्पल नाइफ है ना। इसमें ये 2-in-1 है, इसमें ये एप्पल नाइफ भी है और ये पीलर भी है ना। पीलर जो है मुख्तलिफ शेप्स में मिलते हैं, मुख्तलिफ टाइप के मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेरे लिए ये पीलर है। मैं एप्पल पील करना हो, मतलब छिलका उतारना हो, आलू हो, तोरी हो, लौकी हो, गाजर हो, सबके छिलके इससे उतरते हैं। इतनी सफाई से, इतनी बारीकी से कि आपका फ्रूट या सब्जी जो है ना ज़ाया नहीं हो छिलके के साथ लग के, बिल्कुल बारीक छिलका उतारता है ये पीलर। बस ये कि आपको इसकी हैंडलिंग और प्रैक्टिस आपके हाथ में हो जाए इसको पकड़ने की और उसको छीनने की, और इतनी स्पीड से काट लेता है कि मुझे लगता है कि बस मेरा तो मेरे जो सब्जी है ना वो जादू से ही छिल जाती है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। ये आपको चीज़ें आपकी अभी रमज़ान में फ्रूट चाट वगैरह के सारे फ्रूट्स पील करने में बहुत फैसिलिटेट करेगा और रिस्क ज़ाया होने से बचाएगा। मेरा सेकेंड फेवरेट टूल है, जो मेरा कम्फर्ट टूल है किचन का, वो ये नाइसर डाइसर है। इसके साथ ये मुख्तलिफ स्टेंसिल्स मिलते हैं। इसमें सबसे ये बारीक चॉपिंग के लिए है, ये मीडियम साइज के क्यूब्स काटने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर इस तरह की दूसरी स्टेंसिल्स भी लगाने को मिलते हैं, जो जिस जिस तरह का आपको काम करना हो वो मैं अपने मजीद किसी ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी इसके मजीद यूजेस। लेकिन मेरे लिए अनियन काटने के लिए या दूसरे सब्जी आलू जो अगर मुझे पीसेस में बारीक पीसेस में करने हो, जैसे नूडल्स में अगर मैं पोटैटो डालूँ तो मैं इस बारीक साइज के पोटैटोज बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स डालती हूँ, और अनियन अगर मुझे चॉप करने हो तो मैं इतने बारीक चॉप करनी हो तो मैं इससे काटती हूँ। आप फटाफट ऑनियन को सिर्फ छीलना होता है और इतने मोटे मोटे स्लाइसेस में फटाफट कट जाते हैं, और ये मुझे प्याज काटना सबसे मुश्किल काम लगता है किचन के कामों में, क्योंकि वो आंसू बहुत आते हैं मेरे। तो ये इस तरीके से इसमें रखा, एक से ज़्यादा 2-3 पीसेस रख के, ये मतलब मेरे काम की स्पीड को बहुत बढ़ा देता है और मुझे काम करने में, और इसको बस एक क्लिक करना है। इतना हल्का फुल्का है कि अब मैं इसको हाथ में उठा के ऐसे रख के एक क्लिक करती हूँ तो ये जो है इस तरीके से कट हो जाते हैं। देखें कितने बारीक जो है ना अनियन कट गए हैं इसमें, और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है और हिसाब किताब भी रखने की कोई, इतनी बारीकी से इतनी सफाई से एक जैसे चंक्स कटते नहीं हैं आमतौर पर। और क्या कहते हैं, अगर मैं जैसे अगर मैंने सालन बनाना है तो मैं हांडी के ऊपर रख कर ही इसको डायरेक्ट ऑयल में ऐसे ऐसे कट कर देती हूँ, तो क्योंकि मेरा काम करने का रूल यही है कि कम से कम चीज़ें आप भरें खाना पकाते हुए, तो आपको ही बाद में समेटने में आसानी होगी। धोके छाने में रख लिया है, मैं इसको इसमें डालती जाऊंगी और बारीक चॉप होता जाएगा। मतलब वो सारे काम जो हमें आम तौर पर बड़े मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग लग रहे होते हैं, तो मैं भी बच्चों के साथ बड़ी फटाफट कुकिंग करने की कायल हूँ, ताकि मुझे कम से कम टाइम जो है ना बच्चों का मिस ना हो। बच्चे चाहते हैं कि माँ उनके साथ रहे, क्योंकि अगर आराम से अहतमाम से काम करें तो हाथ से भी सब काम कर सकते हैं, लेकिन बस ये कि मैं तो 10 में से 9 दफ़ा बड़ी जल्दी में ही खाना पका रही होती हूँ, तो मुझे तो बस हर काम फटाफट हुआ हुआ चाहिए या बिल्कुल नो टाइम में जो है ना मैं ये सारी चीज़ें कर लूँ। ये देखें, ये धनिया पुदीना भी इतना बारीक सा जो है ना इसमें चॉप हो चुका है। बस ये कि इसमें एक ये जहमत है कि इसमें थोड़ा सा इसके होल्स में फंस जाता है, ये आप अगर इस तरीके से टैप करेंगे तो ये सारा झड़ जाएगा। मैंने बस इसको थोड़ा सा टैप किया है। कि आप लोगों को रमज़ान में चना चाट बनानी हो, पकौड़ों के लिए प्याज का धनिया पुदीना काटना हो, तो ये बस 5 मिनट भी ज़्यादा है, 2 से 3 मिनट में मेरा ये वाला काम हो गया है। मेरा जो थर्ड फेवरेट टूल है किचन का और जो मेरा कंफर्ट टूल है, इसके बगैर मतलब मैं कुकिंग नहीं कर सकती अपनी बिजी लाइफ में और टफ लाइफ में, वो है ये सैलड कटर कह सकते हैं आप इसको, ऑनियन स्लेट कह सकते हैं। मुझे खाना पकाना हो, मैं सिर्फ 5 मिनट भी नहीं बल्कि सिर्फ 1 मिनट में सिर्फ प्याज को छीलती हूँ, और छील कर इस तरीके से प्याज के 2 टुकड़े फटाफट कर लेती हूँ। बस ये स्लेट इसके ऊपर ही रखती हूँ मैं, कोई प्लेटें नहीं भरती कि मैं अलग से एक प्लेट में प्याज काट के रखनी हूँ, उसी पतीले के ऊपर उसी कढ़ाई के ऊपर मैंने ये स्लेट आराम से फिक्स कर दी है, और नीचे अनियन होते हैं, इसको लेकर इस तरीके से करना है, और इतने बारीक बारीक इसके अंदर
स्लाइस हो जाते हैं। इस बात का बस ध्यान रखना पड़ता है, एंगल का ख्याल रखना पड़ता है कि ऑनियन को आपने हाफ करना है और हाफ के बाद इस तरीके से करना है। तो वो जो लंबे लंबे ऑनियन जिसे हम मोस्टली ब्राउन करने के लिए जिस तरीके से बिरयानी और कौरमे के हम काटते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ये कट जाते हैं। मैं आपको भी इसे दिखाती हूँ, ये इस तरीके से होते हैं। जब आप इसको जरा सा हिलाएंगे ये सारी जो है इसकी लेयर्स खुल जाएंगी। अभी देखें मैं आपसे बात कर रही हूँ और बिल्कुल भी आंखें नहीं जली, और इस तरीके से मैं ऑनियन का जो है तैयार कर लेती हूँ। ऑयल डालूंगी और चूल्हे पर रख दूंगी और खाना पकना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है सबसे बेस्ट चीज़ है। इससे आपने अगर इफ्तारी के लिए आलू वाले पकौड़े बनाने हैं तो जो आलू की पतली पतली कतलियाँ होती हैं वो आप किस तरीके से इससे काटें, बड़े बारीक से मज़े मज़े के जो है ना आलू के इसमें कतलियाँ कट जाएंगी बहुत। ये देखें इतने आराम से जो है आपके सामने ये आलू की कतलियाँ तैयार हो गई हैं। एक मिनट का टाइम भी पूरा नहीं लगा, कुछ सेकंड्स लगे हैं और ये आलू जो है इसमें स्लाइस हो गए हैं। इसी तरीके से आप इससे फटाफट जल्दी जल्दी खीरा भी स्लाइस कर सकती हैं। मैं कोई नई चीज़ें आपको नहीं दिखा रही, ये मार्केट में भी आप देखते होंगे, हो सकता है आप ऑलरेडी घर में यूज़ कर रहे हो। ये बताने का मकसद ये है कि उन ऑप्शंस में उन तरीकों से यूज़ करते हैं जब हमें कोई और बताता है। अगर ये आप डिज़ाइन वाला करेंगे तो इससे आलू भी आप डिज़ाइन वाले काट सकते हैं और खीरा भी आप डिज़ाइन वाले तरीके से भी काट सकते हैं। ये थोड़े से डिज़ाइन में जो है इस तरीके से कट जाते हैं जी। इसके अलावा मेरा एक और फेवरेट टूल किचन का है ये स्पैचुला। तो ये जो है ना चाहे ड्राई चीज़ें हों उनको अच्छे तरीके से, रात को जब हम बचा हुआ सालन जो है किसी डब्बे में डिश में निकाल के रख रहे होते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से साफ करता है। हाथों को लगाना वैसे भी ठीक बात नहीं होती कि हम हाथ से जो फिंगर की मदद से टैप करके सारा सालन पोंछ के निकाल रहे हों। जैसे मैं केक बनाती हूँ उसको बैटर को अच्छे तरीके से निकाल के पैन में शिफ्ट करना हो या एक कोई भी खाना एक डिश से दूसरी डिश में शिफ्ट करना हो तो आप इसकी मदद से साफ करके कर सकती हैं। इनफैक्ट ये जो दूध जब हम बॉईल करते हैं पतीले में, दूध के किनारी पे जो जम जाती है बलाई वगैरह उसको भी ये ना रख करके बड़े अच्छे तरीके से मलाई को हटा देता है। इसके अलावा खाना पकाने के दौरान जब हम मसाला भून रहे होते हैं जो दीवारों पर जो मसाला लगता है वो जो है एंड में बड़ा अजीब सा सख्त हो जाता है और वो फिर हमें जब बाद में बर्तन धोना पड़ता है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और रिस्क भी वो एक्चुअली ज़ाया ही हुआ होता है, जो खाने के सारे फ्यूम्स जो हैं छींटे इधर लग जाते हैं और वो सख्त हो जाते हैं। तो खाना पकाने के दौरान जब आप एक चमचे से मसाला भून रही हो तो साथ में चमचे के साथ ही ये स्पैचुला भी अपने रखें और साथ साथ जो है ना खाना पकाने के दौरान ये जो भी साइड में लगता जाए उसको उसी वक्त उतारते जाएं। तो ये कि खाने का जो जायका ज़ाया होता है, खाने का जो हिस्सा ज़ाया होता है वो भी बच जाएगा और बाद में आपको सफाई में भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।